हेलो स्टूडेंट, जेएनयू एग्जाम नोटिफिकेशन आ गया है। आप सब लोगों ने शायद न्यूज़ सुन ली होगी। जेएनयू का, जैसा मैंने आपको पिछले सेशन में बोला था, कुछ लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि दिसंबर में होगा, पर मैंने आपको बोला था कि अगर नवंबर तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो एग्ज़ाम नहीं होगा। वैसे ही हुआ। अब प्रॉपर टाइम पर नोटिफिकेशन आ गया है और एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। अब कुछ चीज़ें मैं बता दूँ, जेएनयू फॉर्म भरते समय आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स होंगी, और सेकेंड थिंग कि जेएनयू से एमसीए करने में एडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जिस तरह से बीएचयू एक यूनिवर्सिटी है, उसी तरह से जेएनयू भी एक यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। बीएचयू यूनिवर्सिटी से जैसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा 8 सब्जेक्ट के होते हैं और साइंस सब्जेक्ट के भी होते हैं, पर उसमें एक टेक्निकल कोर्स था एमसीए। वैसे ही जेएनयू में भी बहुत सारे कोर्स हैं, एमए है, बीए है, पीएचडी है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्स है, और दुनिया भर के बच्चे पढ़ने आते हैं। जेएनयू एक बहुत रेपुटेड यूनिवर्सिटी है दिल्ली की। बट टेक्निकल के टर्म में बात करें तो टेक्निकल टर्म में एक एमसीए कोर्स है। तो आप लोगों में से कई लोग जेएनयू देने में इंटरेस्ट रखते हैं, ऑब्वियसली अच्छा एग्जाम है, देना चाहिए, इन टर्म ऑफ प्लेसमेंट अच्छे हैं। अब आपने जो एक क्वेश्चन और पूछा था कि सर एनआईटी से अगर कंपेयर करें जेएनयू के तो प्लेसमेंट कैसे हैं, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ कि अगर मैं एनआईटी से जेएनयू को कंपेयर करूँ तो डिपेंड करता है कि एनआईटी के किस कॉलेज से हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर सपोज मैं एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरतकल, कैलीकट या इलाहाबाद से कंपेयर करूंगा तो मैं बोलूंगा अगर आपके पास एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरतकल या कैलीकट जैसे ऑप्शन है और जेएनयू भी एक ऑप्शन है तो आप ऑब्वियसली वहां जाएं, क्योंकि वहां इन टर्म ऑफ प्लेसमेंट पैकेजेस हाई है। एजुकेशन टर्म में मैं बोलूँ तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पैकेजेस टर्म में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है वो समझना बहुत जरूरी है। जब हम एनआईटी त्रिची की बात करते हैं या वारंगल की बात करते हैं, सूरतकल की, तो ये कम्प्लीटली टेक्निकल कॉलेज है जहाँ से बीटेक और एमटेक की डिग्री मिलती है बच्चों को और एमसीए की। तो टेक्निकल कॉलेज होने के वजह से आईटी कंपनी बहुत ज़्यादा विजिट करती है, पर जेएनयू जो है वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए फेमस है, एमसीए के लिए उतना फेमस नहीं है। तो ऐसे में कंपनी की विजिट कम होती है, इसलिए ऐसा होता है कि प्लेसमेंट के टर्म में हम बोल सकते हैं थोड़ा कम है। बट अगर मैं बोलूँ एनआईटी रायपुर, कुरुक्षेत्र, इनके कंपेयर में अगर हम देखें तो मैं बोलूंगा कि जेएनयू एक बेटर ऑप्शन है। इसके अलावा किसी भी स्टेट लेवल कॉलेज और प्राइवेट लेवल के कॉलेज से तो जेएनयू मच बेटर है। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि जेएनयू एग्जाम आप सभी को देना चाहिए, और अच्छी बात यह है कि जेएनयू एग्जाम की जो डेट है वो 28 मई है, यानी 26 को जब आप एनआईटी का एग्जाम दे देंगे उसके बाद है। तो इसका मतलब इस एग्जाम्स के लिए अलग से कुछ नहीं करना। सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है एनआईटी के और जेएनयू के वो मैं बात करूंगा, और आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो मैं आपसे बात करूंगा। तो एक चीज़ याद रखिए कि जेएनयू, क्योंकि आप में से कई लोग ये सेशन जो सुन रहे होंगे, हो सकता है वो एमसीए के अलावा कोई और कोर्स की बात कर रहे हो, तो आप जिस भी कोर्स की बात कर रहे हैं, टोटल एग्जाम डेट है 27 मई से 30 मई के बीच में, और 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा और कंप्लीटली एग्जाम ऑनलाइन होगा, और एग्जाम एनटीए कंडक्ट कर रहा है जिसने जेई मेंस का एग्जाम कंडक्ट करा था। तो ऑनलाइन एग्जाम है, और अब तो आप जो भी एग्जाम से, अगर आप ये सेशन सुन रहे हैं तो अगर आप कोई और एग्जाम देने वाले हैं एमए के लिए या पीएचडी के लिए या बीए के लिए, तो आप अपनी एग्जाम डेट जरूर देख लीजिए और शिफ्ट देख लीजिए, शिफ्ट का बहुत ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ फोकस होके कि एमसीए के लिए। सबसे पहले एमसीए एग्जाम की डेट है 28 मई, ऑनलाइन एग्जाम है, नंबर ऑफ सीट्स है 58, एग्जाम टाइम है 9:30 to 12:30, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है यानी सीबीटी है, और एनटीए कंडक्ट कर रही है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100, जिसमें 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर साइंस। सिलेबस में क्या क्या चेंज है वो बताता हूँ। उसके पहले हम कुछ चीज़ें समझ लें कि इस एग्जाम में अगर हम बात करें कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ उसके बाद भी मैं बोलूँगा कि आप सबसे पहला काम jnu.ac.in पर जाके विजिट करें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बॉक्स जो ब्लूटेन है वो डाउनलोड करें, एक एक इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से भरें, रीड करें, और उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। कोई भी और साइट की जगह जब भी आप जेएनयू डालेंगे तो आपको बहुत सारी साइट दिखेंगी, पर मैं बोलूँगा हमेशा विजिट फॉर ऑफिशियल साइट, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब बात आती है नंबर ऑफ सीट की, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जेएनयू में थोड़ा सा नंबर ऑफ सीट ऑब्वियसली 58 है, बट उनका फिर भी एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। वो एक मिनिमम कट ऑफ डिक्लेयर करते हैं, और वो मिनिमम कट ऑफ से अगर आपके मार्क्स ऊपर हैं तो आप सेलेक्ट हैं, और कम हैं तो आप रिजेक्ट हैं। तो हो सकता है कि 58 से ज़्यादा स्टूडेंट का भी बैच हो और 58 से कम का भी हो, पर नॉर्मली वो जिस ढंग से कट ऑफ सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू पेपर, वो नंबर ऑफ सीट्स के इक्वलेंट ही होता है। तो जैसे मान लीजिए कि पेपर का लेवल के हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया है कि 75 कट ऑफ है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल उनका वो है
इंटरनल प्रोसेस है, पर इसका मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे यहाँ के बच्चे जेएनयू में गए हैं उन्होंने इस बात को बताया है, तो एक आइडिया दे रहा हूँ कि मान लीजिए उन्होंने पेपर का कट ऑफ रखा 75, अब आप 75 के ऊपर हैं तो आप सिलेक्टेड हैं और 75 के नीचे हैं तो आप रिजेक्टेड हैं, पर एक टेंटेटिव ये जो फिक्स सीट जो उन्होंने दी है वो 58 है, तो एक तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इन टर्म ऑफ सिलेबस की, एक बहुत बड़ा जो डाउट है वो ये कि इसके सिलेबस में और निमसेट के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मोस्टली बच्चे वो होते हैं जेएनयू देने वाले जो निमसेट को भी दे रहे होते हैं, एक्सेप्ट कि किसी का 60% से कम है। और मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जिसका भी 60% से कम है ग्रेजुएशन में, क्योंकि जेएनयू में 55% मांगते हैं एमसीए के लिए, उनके लिए जेएनयू एग्जाम तो समझ लीजिए कि सबसे बेस्ट एग्जाम, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है निमसेट जाने के लिए, तो ऐसे में उनके पास ऑप्शन क्या बचता है, जेएनयू, बीएचयू या स्टेट लेवल के अच्छे कॉलेज। पर उन सबसे तो मैं बोलूंगा मच बेटर कि आप जेएनयू में जाएं। अब जेएनयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 12th ग्रेजुएशन का 55 मांगते हैं और 12th में मैथ्स या 10+2+3 में मैथ्स होना चाहिए, यानी आपका अगर ग्रेजुएशन लेवल पे 1 ईयर मैथ्स है तो भी आप एलिजिबल हैं। दूसरी बात, कई सारे स्टूडेंट जो कॉमर्स वाले उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर क्योंकि निम सेट में बीसीए स्टूडेंट ही दे सकता है या बीएससी या कंप्यूटर ऑनर्स वाला, बट अगर कोई बच्चा बीकॉम कर रहा है और 12th में उसका मैथ्स है तो वो जेएनयू का एग्जाम दे सकता है, या बीए कर रहा है पर 12th में मैथ्स है वो भी एग्जाम दे सकता है, या किसी ने सेपरेट 12th मैथ्स का एग्जाम दिया है वो भी जेएनयू का एग्जाम दे सकता है, बट जेएनयू के एग्जाम में मैथ्स का वेटेज ज़्यादा होता है। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो कम्प्लीटली 11th 12th के मैथ्स के साथ साथ बीएससी का थोड़ा सा रियल एनालिसिस का पोर्शन भी रहता है, बट मैं बोलूँगा वो छोड़ दीजिए क्योंकि कट ऑफ देखें तो हम 60 से 70 के बीच में रहता है, आप वो छोड़ सकते हैं। दूसरा, लॉजिकल रीजनिंग। अब देखिए, आप निम सेट से अगर कंपेयर करें, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ों में आपको फोकस रखना है, और ये सारी डिटेल जेएनयू की साइट पे दी है, मैं एक टेंटेटिव चीजें बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से फॉर्म को भरना है। तो निम सेट के सिलेबस की बात करें तो मैथ्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड नहीं होता, कंप्यूटर फंडामेंटल है, और इसके अलावा इंग्लिश बेसिक है। 50 मैथ्स, 40 लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल 10 और इंग्लिश 20। मैथ्स और मैथ्स यहाँ पर देखें तो सेम है, बट लेवल थोड़ा सा जेएनयू का ज़्यादा हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, एक्सेप्ट कि जो थोड़ा सा बीएससी का पार्ट है जो मैंने बोला रियल एनालिसिस वगैरह, वो एक चीज़ है, अगर आप बीएससी वाले हैं तो आप कवर करें, स्पेशली बोल रहा हूँ बीएससी वाले हैं तो कवर करें, अदरवाइज ड्रॉप। अब बात आती है लॉजिकल रीजनिंग, तो वो जेएनयू में भी है और निमसेट में भी, और निमसेट का लॉजिकल रीजनिंग का लेवल हायर होगा कंपेयर टू जेएनयू, यानी आपकी प्रॉब्लम खत्म। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का लेवल यहाँ पर नहीं आता है, बहुत ही बेसिक आता, अगर आया यहाँ पर भी बेसिक आता है, प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करूँ तो जेएनयू में कंप्यूटर का पोर्शन ज़्यादा होता है, इसलिए वो कंप्यूटर फंडामेंटल नहीं लिखते, निमसेट में कंप्यूटर का पोर्शन कम होता है इसलिए मैं कंप्यूटर फंडामेंटल में लिखता हूँ। यानी जेएनयू में कंप्यूटर साइंस का लेवल करीब करीब सी लैंग्वेज, डीएस, डाटा स्ट्रक्चर, ये सब पोर्शन भी मिलेगा आपको सिलेबस में दिया हुआ, यानी कंप्यूटर का पार्ट ज़्यादा है। पर आज मैं देख रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट ऑलमोस्ट जो एमसीए करना चाहते हैं वो कंप्यूटर की फील्ड के ही स्टूडेंट होते हैं, या तो बीसीए कर रहे होते हैं या वो बीएससी कंप्यूटर कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब कंप्यूटर से, या इवन बीकॉम कंप्यूटर वाले बच्चे भी होते हैं, तो जो सिलेबस आपने पढ़ा है वही सिलेबस रहता है, पर लेवल ऑफ क्वेश्चंस और वो ज़्यादा मिलेंगे। और अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में बोलूं तो लगभग 40-50 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड मिला के 10-20 हो सकते हैं, और बचे हुए क्वेश्चन जो होंगे वो कंप्यूटर साइंस के होंगे, बट ये परसेंटेज अप डाउन हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी माइंडसेट करके मत जाइएगा। और 11th 12th का मैथ्स का परसेंटेज ज़्यादा होगा, यानी पेपर आपको देना चाहिए, वो भी जो निमसेट दे रहा है उनको भी, और जो निमसेट नहीं दे रहा है उनके लिए तो ऑप्शन ही नहीं है, उनको तो ये देना ही है। पर मैं सारे निमसेट एलिजिबल स्टूडेंट को ही बोलूंगा ये एग्जाम देना चाहिए, एग्जाम सेंटर बहुत सारे हैं, अपनी नियरेस्ट सिटी ले लें, और जो बच्चे भोपाल आके टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या देंगे वो भोपाल सेंटर ही लें, कई सारे सेंटर्स हैं, वो आप लिस्ट देख लें, च्वाइस आप बिल्कुल क्लियर रखें, फोकस बिल्कुल रहे कि क्या करना है, क्योंकि 26 को एनआईटी देने के बाद 28 को एग्जाम है आपका, इसका मतलब ऑब्वियस अगर हम लॉजिकली देखें तो बीच का एक 27th का ही डे, ऐसे में मूव ना करें, जहां से एनआईटी का एग्जाम दे रहे हैं वही सेंटर अगर आप जेएनयू का रखेंगे तो बेटर है। और अगर आप अपनी सिटी में रखते हैं मान लीजिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ट्रेवलिंग टाइम कितना है, क्योंकि एनआईटी का एग्जाम केवल उन्हीं जगह पर होता है जहाँ एनआईटीज हैं, पर जेएनयू के एग्जाम्स में बहुत सारी, हर स्टेट में कई कई सारी सिटीज हैं,
तो वो आप प्लान कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत ही पॉजिटिव माइंड से समझनी है। और मैं फिर बोलूंगा कि कंफ्यूज मत होइए, आजकल बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, जेएनयू की न्यूज फेक है, जेएनयू में ऐसा है, प्लेसमेंट कम है, ये है वो है। मैं आपको बिल्कुल इसीलिए सबसे पहले बता दिया कि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर किससे कर रहे हैं ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली अगर एनआईटी त्रिची वारंगल सूरतकल से कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा वहां जाएं। अगर आप बॉटम लेवल एनआईटी कॉलेज या स्टेट लेवल एनआईटी के कॉलेज से कंपेयर कर रहे हैं तो जेएनयू की रेपुटेशन बहुत हाई है, लॉन्ग टर्म उसके काफी सारे एडवांटेज मिलेंगे। स्टार्टिंग पैकेज हो सकता है आपको बहुत अच्छा ना मिले, प्लेसमेंट मिलेगा पर पैकेज हो सकता है बहुत आपको 25 लाख 30 लाख ना मिले, पर ऑन एन एवरेज 6 to 8 lakhs तक का मिल सकता है। पर स्टार्ट होने के बाद अगर आपने जेएनयू से एमसीए किया है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत हाई मिलेगी। तो एक पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिए। निमसेट वाले बच्चों को बिल्कुल क्लियर बोल दूं कि अलग से कोई सिलेबस ना करें, इसके सिलेबस के बेस पे आप ये सिलेबस बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। और जो बच्चे यहाँ ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए उनको अभी जेएनयू के पेपर्स भी मिलेंगे, तो आप वो पेपर्स को जब देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और पुराने पेपर और नए पैटर्न में काफ़ी डिफरेंस कर दिया उन्होंने, लेवल टफनेस ये सब कुछ कम कर दिया। पहले तो बीएससी का काफ़ी मैथ आता था, बीएससी का बहुत ही थोड़ा सा पार्ट है। तो अगर आप निमसेट की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली जेएनयू की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पॉजिटिव माइंड से पढ़ते रहिए और जो जो एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आ जाएंगे फाइनली उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। इसलिए बिल्कुल पैनिक ना हो, परेशान ना हो कि सर कौन कौन से एग्जाम है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो मैं आपको बताता रहूंगा। बाकी आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट में जो अच्छे कॉलेज हैं उनकी एग्जाम्स की डेट पर थोड़ा सा आप भी नज़र रखिएगा, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।